हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टी ये पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को आप कह सकते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल। क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप ऑल एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंशन्ड है। इसमें वन नंबर हाइड्रोजन से 118 एलिमेंट ऑर्गेनेशन तक कंप्लीट एलिमेंट्स के ऑफिशियल आईपीएससी नेमिंग के साथ इन एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा आप बात करेंगे इन द सेम मैनर देयर इज ए ग्रेजुअल ग्रोथ इन केमिस्ट्री विथ द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के साथ साथ आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई गई, डिस्कवरी यहां पर कंप्लीट होती गई, वैसे वैसे केमिस्ट्री में ग्रेजुअली ग्रोथ हुई, एक सेम मैनर में ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। या डिस्कस आप कर सकते हैं बेटा कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिससे केमिस्ट्री की ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। जैसे 1800 या यूं कहें 18,000 में, 18,000 में 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। नेक्स्ट 1865 में, 1865 में 63 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए या डिस्कवर आप बोल सकते हैं कि 1865 में 63 एलिमेंट डिस्कवर थे और प्रेजेंट टाइम आपके 118 एलिमेंट यहाँ पर डिस्कवर है। 118 जो कंप्लीट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है आईपीएससी नेम के साथ इनका। जिनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देखिए बेटा किस तरीके से क्लासिफिकेशन का जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं बेटा यहाँ कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नॉन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स एट ए टाइम। एक ही टाइम पर सभी एलिमेंट्स एक साथ स्टडी में यूज नहीं किए जा सकते, तो इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग थ्योरी दिए और उनके बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो देखिएगा यहाँ पर कह सकते हैं, सो एज द अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इजिली दे आर क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली, और एलिमेंट्स का सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन जरूरी हो गया। इसमें देखिएगा जिनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स की। डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स में बताया जाता है बेटा कि एलिमेंट्स के तीन तीन ग्रुप बनाए गए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। देखिएगा सेकेंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड है लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल, फोर्थ है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जिनेसिस में देखिएगा आपके डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स आता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आता है, लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे देखा जाएगा। तो वन बाय वन करके इनको आप डिस्कस कर लेते हैं। डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स देखिएगा, जॉन डोबेराइनर, ये आपके जॉन डोबेराइनर हैं। इन्होंने बताया कि ट्राइड्स क्या होता है, तो ए ट्राइड्स इज ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, और ये थ्री एलिमेंट कौन से होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, सिमिलर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। ये जर्मन केमिस्ट रहे हैं बेटा और इन्होंने ट्राइड्स रूल जो है वो 1829 में प्रपोज किया और बताया ही नोटेड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, जिसे क्या कहा गया? ट्राइड्स कहा गया, कि
तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बना लिए जाएं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो, और उन्हें क्या कहा गया? ट्राइड्स कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए ट्राइड द मिडल एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज एवरेज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। एग्जाम्पल देखिएगा, इसने कहा कि मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, सोडियम का एटॉमिक वेट 39 है। तो यहां पर क्या बात आ जाएगी, 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 23। तो आप कह सकते हैं सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 23। तो इन दोनों के एवरेज से क्या डिटरमाइन किया गया, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक जो वेट है वो 40 है, बेरियम का 137 और स्ट्रॉन्शियम का एवरेज एटॉमिक वेट आ जाता है 88। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन का 127, एवरेज देखते हैं तो 80 आ जाता है जो बोरोन का एटॉमिक वेट होगा। ड्रॉबैक्स ऑफ डोवेनाइनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। देखिएगा, डोवेनाइनर ने जो ट्रेड रोल फॉलो किया, या यूं कहें कि ग्रुप बनाए, तो ये कुछ ही एलिमेंट पर एप्लीकेबल हो पाए थे उस टाइम। तो देखिएगा, आप कह सकते हैं ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स वेयर नॉन एट दैट टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन ट्राइड्स एज सम एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो देखिएगा, कुछ सिमिलर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट भी थे जिनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया इस रूल से। एग्जाम्पल, फ्लोरीन, ये आपके आयरन कोबाल्ट और निकेल ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट हैं, जिससे एवरेज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते और इनका अरेंजमेंट भी डिफिकल्ट हो गया। सो दिस लॉ वाज डिस्प्रूव्ड। ठीक है, एमसीक्यूज देखिएगा, व्हाट इज ट्राइड, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 6। तो यहां पे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स होता है बेटा। देखिएगा ट्राइड्स रूल, ए ट्राइड्स इज ए ग्रुप ऑफ 3। What was the drawback of Dobberaner's law of triads? Only a few elements were known. Some elements had almost similar atomic weight. Both, none of the above. तो इसमें हो जाएगा both, दोनों ही इसके drawback रहे हैं। ये देखिएगा, दोनों drawback है बेटा। Clear? Only a few elements were known at that time. It become difficult to arrange the elements in triads as some elements have almost similar atomic weight. Next हो जाएगा आपके Newland's law of octaves and Lothermeyer periodic table. दोनों को आप one by one करके discuss करेंगे. First आप ले रहे हैं Newland's law of octaves. देखिएगा, John Alexander Newland's, इन्होंने क्या बताया बेटा कि ऑक्टेव्स क्या होता है। ऑक्टेव्स होता है बेटा आपके, ऑक्टेव्स मीन एट नोट्स ऑफ म्यूजिक विच इज बीइंग यूज्ड एज एट एलिमेंट सिस्टम। एट नोट्स ऑफ म्यूजिक के अकॉर्डिंग एट एलिमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें कहा गया बेटा कि एक एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट मतलब एट नंबर के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो आप कह सकते हैं बेटा ये इंग्लिश केमिस्ट हैं, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन 1865 में ऑक्टेव्स को प्रपोज किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया 1865 में। ठीक है बेटा, इसमें क्या कहा गया बेटा वो देखिएगा, द एलिमेंट्स वेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट,
एवरी एट एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कि एट एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया 1 to 8 और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें बताया गया कि फर्स्ट नंबर और एट नंबर दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी और वो एक ही टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आप कह सकते हैं इट इज लाइक एट नोट्स ऑफ द म्यूजिकल स्केल, म्यूजिकल स्केल के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया सा रे गा मा पा द नी सा, सा रे गा मा पा द नी सा, रिपीट हो रहा है सा, इसके अकॉर्डिंग ही रखा गया एलिमेंट्स को। देखिएगा यहां से आप बात कर सकते हैं ना बेटा, सा रे गा मा पा द नी सा, वापस सा रिपीट होगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को रिअरेंज किया गया और से जो आपके सोडियम है वो एट नंबर का एलिमेंट आया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सिमिलर हो गई। ऐसे अपन बात करें बेरिलियम को लेके, तो बेरिलियम 1 नंबर पे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 नंबर पे कौन है बेटा, मैग्नीशियम। तो आप कह सकते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट ये जो रूल है, ये लॉ है, वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं 1 to 8 तक वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा। जैसे आप देखते हैं बेटा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ओके। तो ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, यहां पर सिमिलर प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे ही आप देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देखिएगा एक तो आप कह सकते हैं इट इज ऑब्जर्व्ड अप टू कैल्शियम ओनली, ये कैल्शियम तक ही ऑब्जर्व किया गया, सो इट इज आल्सो डिसप्रूव्ड। नेक्स्ट है आपके लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल, लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल में कहा जा रहा है, ये भी आपके जर्मन केमिस्ट रहे हैं, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही है। इसमें क्या बात कही गई है बेटा, ही प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेंड ए पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न, और एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। बट इट वॉज नॉट पब्लिश बिफोर द वर्क ऑफ दमित्री मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आने के बाद इसको पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। अब देख सकते हैं बेटा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से पहले लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल क्या था, लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रिअरेंज किया, एलिमेंट्स को रिअरेंज किया कैसे, तो देखिएगा यहां पर क्या बात कही गई बेटा, एक ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने इस तरीके से, एक साइड एटॉमिक मास और दूसरी साइड एटॉमिक वॉल्यूम को एक्सिस पर डिनोट किया, और इन्होंने जिग जैग मोमेंट में एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन किया। कैसे, टॉप पर आपके मोर पॉजिटिव एलिमेंट्स को रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर के मिड में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में
लेस पॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इनको मेंशन किया। और बेस में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स को रखा, और इसके नीचे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक टफ क्लासिफिकेशन दिया जो पब्लिश ही नहीं हो पाया। एमसीक्यूज देख लीजिएगा बेटा। यहां पर न्यूलैंड्स हैड अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग। यहां पर किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने अरेंज किया, एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर? तो यहां आ जाएगा एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग यहां पर न्यूलैंड ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। और उन्होंने क्या कहा था, द एलिमेंट्स वेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एवरी एट एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर कहा नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स क्या है, एट ऑक्टेव्स मीन्स एट एलिमेंट सिस्टम, एट एलिमेंट सिस्टम होता है जिसमें कहा गया बेटा कि फर्स्ट एलिमेंट एट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑब्जर्व्ड अप टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, तो हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ऑब्जर्व कर पाया। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखिएगा, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में क्या बात कही गई, द रशियन केमिस्ट दमित्री मेंडेलियस सेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि एलिमेंट के जो भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो एटॉमिक वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसा इन्होंने बताया। आप कह सकते हैं ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था जो ऑलमोस्ट सिस्टमेटिकली था, इसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह दिया गया। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल देखिएगा, मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल आपके स्लाइड पर है, तो देखिएगा यहां पर 1 to 12 क्या दिए गए हैं, सीरीजेस दी गई हैं। यहां से देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्या दिया गया बेटा, सीरीजेस दी गई हैं, सीरीज बताई गई हैं। और आपके यहां पर जो है वो एट ग्रुप मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जिसमें देखिएगा और 7 पीरियड्स एट ग्रुप, बट इन ग्रुप को वापस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखिएगा जो भी बात आ रही है इस तरीके से आ रही है कि 63 एलिमेंट, उस टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, जिसमें से वर्टिकल कॉलम में आपको जो ग्रुप्स बताए गए हैं उनको इन्होंने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, एट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिन्हें 9 ग्रुप कहा गया। ठीक है, देखिएगा कैसे, द वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स और फैमिलीज, 9 ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, पीरियड्स 7 पीरियड्स, ये सीरीज हैं आपके। ठीक है, फर्दर ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप्स,
एक्सेप्ट जीरोथ एंड एर्थ, ठीक है, एट नंबर और जीरो ग्रुप। को ए और बी में सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया। एर्थ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन ट्राइड, आप कह सकते हैं बेटा कि एर्थ ग्रुप जो होगा वो ट्रांजिशन ट्राइड्स बनाता है। इसमें देखिएगा सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एर्थ ग्रुप में ट्रांजिशन ट्राइड्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव्स के मेरिट्स क्या रही बेटा। ही गेव एन एलेबोरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट्स एंड लेफ्ट सम गैप्स नेमिंग देम एज एका एलिमेंट्स। देखिएगा यहां पर बात कही जा रही है कि मेंडेलीव ने प्रॉपर्टी के बेसिस पर नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन कर दिया और उनके लिए फिक्स पोजीशन भी सिलेक्ट कर ली और उनका नेम जो है वो एका एलिमेंट्स डिफाइन किया या डिटरमाइन किया। एग्जांपल देखते हैं आप, देखिएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम को क्या कहा गया बेटा, एका बोरोन। गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटा यहां पर देखिएगा यहां पे और क्या बात कही गई। He corrected the atomic weight of beryllium and indium based on their valency. Atomic weight is equal to equivalent weight into valency. तो आप कह सकते हैं बेटा कि कोई भी एलिमेंट जो है उसको एटमिक वेट, उसका एटमिक वेट इक्वेलेंट वेट इंटू वैलेंसी से डिटरमाइन किया जा सकता है, ऐसा मेंडेलीव ने कहा। नेक्स्ट आप बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सम एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक वेट वेयर प्लेस्ड बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट इन ऑर्डर टू मेंशन सिमिलर केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स एंड आर कॉल्ड इन्वर्टेड पेयर और एनालोमस एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखिएगा यहां पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर पॉइंट क्या रहा कि ज्यादा एलिमेंट वाले जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पहले आ रहे हैं और लो एलिमेंट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें ये इरेगुलेशन मिला। देखिएगा आर्गन, आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का 39.9, आर्गन का क्या है 39.9 और पोटेशियम का 39.1। देखिएगा यहां पर आर्गन है और यहां पर पोटेशियम है। नेक्स्ट है ये कोबाल्ट और निकेल, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट प्रेजेंट है। टेलीरियम और आपके आयोडीन, यहां पर एटॉमिक वेट क्या है 1 to 7.6 और 1 to 6.9। ठीक है, देखिएगा ज्यादा एटॉमिक
वेट और कम एटॉमिक वेट, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट लॉ था इनका, बट ये फॉलो नहीं हो पाया. ड्यू टू इन्वर्टेड पेयर द बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप आल्सो चेंज. काफी सारे पेयर इन्होंने चेंज भी कर दिए थे लेकिन कंप्लीटली ये चेंजेस नहीं हो पाए. फिर द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट मेड क्लियर, और हाइड्रोजन की पोजिशन भी ये क्लियर नहीं कर पाया. द पोजिशन ऑफ लेंथेनाइड्स इज अनसर्टेन, लेंथेनाइड्स के लिए भी ये कोई बात नहीं कर पाया. एमसीक्यूज देखिएगा बेटा. मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और स्पेसिफिक हीट. तो यहां पे हो जाएगा बेटा एटॉमिक वेट. ठीक है, देखिएगा. धर्मित्री सेट दैट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट. कंसिडरिंग द केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट बेरिलियम वॉज करेक्टेड बेस्ड ऑन वैलेंसी कॉन्फिगरेशन डेंसिटी नन ऑफ दिस. तो वैलेंसी देखिएगा, एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, करेक्ट एटॉमिक वेट डिटरमाइन किया जा सकता है. द एलिमेंट्स स्कैंडियम इज नॉन लॉन्ग बैक एज इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मर्क्यूरी. तो हो जाएगा इका बोरॉन. ये देखिएगा स्कैंडियम के लिए इका बोरॉन. क्लियर बेटा. इका सिलिकॉन इज नॉन नाउ नॉन एज स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, बोरॉन. तो जाएगा जर्मेनियम. ठीक है, तो यहां पे क्या बात आएगी बेटा कि इका सिलिकॉन को क्या बोला गया, जर्मेनियम. ऑफिशियली आईपीएससी नेम दिया गया जर्मेनियम. और इका सिलिकॉन किसने कहा, मेंडेलीव ने. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉजले. देखिएगा हेनरी मॉजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रा से एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन किया 1913 में. ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे. ठीक है, इंग्लिश फिजिसिस्ट रहे हैं हेनरी मॉजले. इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा से एलिमेंट्स के लिए रेगुलर ऑब्जर्वेशन किया और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन किया. तो आप कह सकते हैं हेनरी मॉजले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स. एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इमिटेड बाय द यूजिंग रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी. यहां पर ए एंड बी कांस्टेंट रखे गए. जेड एटॉमिक नंबर, देखिएगा फर्स्ट एटॉमिक नंबर और एक्सरे फ्रीक्वेंसी रूट न्यू के बेस एक ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने. इन्होंने पाया कि जो भी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी वो एक्सरे फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन की जा सकती हैं. और आप कह सकते हैं डायरेक्टली न्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है जेड, एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन आप कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट करेक्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करता है एक्सरे फ्रीक्वेंसी के साथ जब एटॉमिक नंबर को कंटिन्यूअसली बढ़ाया जाए तो. ठीक है, या आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा. ऐसे ही इसने ऑब्जर्व किया एटॉमिक वेट के साथ तो उसमें वेरिएशन मिला. देखिएगा इस तरीके से कंप्लीट रेगुलर रिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं रहा, करेक्ट ऑर्डर यहां पर नहीं मिला. एक स्ट्रेट लाइन जो बननी थी वो नहीं बन पाए.
इसका मतलब कि एलिमेंट के जो पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं, नॉट एटॉमिक वेट। तो आप कह सकते हैं बाय दिस द कैलकुलेटेड दैट द एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स दैट इट्स एटॉमिक वेट। क्लियर बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिया हुआ है, यह आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप बात कर सकते हैं कि यहां पर 1 to 18 ग्रुप मेंशन है, 1 to 7 पीरियड मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है जो कंप्लीटली डिस्कवर्ड एंड ऑफिशियली आईपीएससी नेमिंग के साथ यहां पर मेंशनड है। देखिएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, यहां पर वन हंड्रेड इलेवन पे आपके आरजी रोंटेजेनियम, सी एन कॉपरेंसियम, 113 पर निहोनियम एन एच, 114 पर आपके फ्लोरोवियम FL, 115 पे आपके है यहाँ पर मॉस्कोवियम MC, 116 पर है आपके लिवरमोरियम LV, फिर 117 पे है आपके यहाँ पर टेनेशाइन TS, और 118 एलिमेंट जो होगा आपके 118 एलिमेंट वो हो जाता है ओगेनेशन OG। ठीक है, इस तरीके से यहां पर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मेंशन्ड है बेटा। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या बात कही जा रही है यहां पर, कि इसको आप कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स विच आर हॉरिजॉन्टल लॉ, हॉरिजॉन्टल रोज में आपके 7 पीरियड मेंशन है, 18 ग्रुप विच आर वर्टिकल कॉलम्स, द ऑर्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप्स आर फर्स्ट ए सेकेंड ए। देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए कहा गया है, सेकेंड ग्रुप को सेकेंड ए कहा गया है, थर्ड ग्रुप को थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और एट को आपके 8, 9 और 10 ग्रुप में डिवाइड किया, फिर 11 को कहा गया है आपके फर्स्ट बी ग्रुप, और 12 को कहा गया सेकेंड बी ग्रुप। ओके, ये ऑर्डर नोटेशन है ग्रुप के डिटर्मिनेशन का, जो मेंडेलिफ ने प्रपोज किया था सब ग्रुप ए और बी। 13 को कहा गया यहाँ पर थर्ड ए, 14 को फोर्थ ए, 15 को फिफ्थ ए, 16 को सिक्स ए, और 17 को सेवंथ ए, और 0 को 0 कहा गया 18 को। देखिएगा, 18 जो एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, उसको कहा गया 0 ग्रुप। ठीक है, आईपीएससी के अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेशन दिया गया बेटा। देखिएगा, आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपीएससी का फुल फॉर्म आपको बेटा मालूम होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया, द ग्रुप्स आर नंबर्ड 1 to 18 इन अकॉर्डेंस विथ आईयूपीएससी रिकमेंडेशंस। ठीक है, आईपीएससी के अकॉर्डिंग 1 to 18 कहा गया। ये देखिएगा, कंप्लीट दिया हुआ है 1 to 18।
देख पा रहे होंगे आप। देखिएगा ओके, यहां पर आप बात कर सकते हैं बेटा पीरियड्स नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। देखिएगा यहां पर आप डिस्कस करेंगे बेटा कि पीरियड किसे कहेंगे, पीरियड्स और आउटर शेल, इसी को कहा जाता है बेटा अल्टीमेट, अल्टीमेट शेल ये होता है आपके हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट डिजिट होती है। ठीक है, देखिएगा बेटा यहां पर बात कर रहे हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पॉइंट्स को लेके। द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, द रिमेनिंग पीरियड्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंसिस्ट ऑफ 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो आप कह सकते हैं बेटा कि यहां पर फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट और सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट होते हैं। इसे आप कहते हैं बेटा वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, ये हो जाएगा आपके शॉर्ट पीरियड, इसको आप फर्स्ट शॉर्ट कह सकते हैं, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, ये हो जाएगा सेकंड शॉर्ट पीरियड, ये हो जाएगा फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ये है आपके सेकंड लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड ये है फर्स्ट वेरी लॉन्ग पीरियड और ये है सेकंड वेरी लॉन्ग पीरियड। क्लियर बेटा, द सेवंथ पीरियड इज कंप्लीट। अब देखिएगा कंप्लीट है, सेवन पीरियड कंप्लीट है, 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिक्स एंड सेवंथ पीरियड, जिसे आप क्या कह रहे हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेस बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टली रो में उनको मेंशन किया गया है ताकि मिनिमम स्पेस मिल पाए पीरियोडिक टेबल को। ये देखिएगा फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स पीरियड में देखिएगा सिक्स पीरियड में लेंथेनम के लेंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद सेवंथ पीरियड, सेवंथ पीरियड में देखिएगा एक्टिनॉइड एक्टिनम के एक्टिनॉइड्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिएगा यहां पर ये कंप्लीट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है आपके सामने स्लाइड पर बेटा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में देखिएगा 1, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना है 2। सेकंड पीरियड में 2 एंड 6, 8। थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 और 32 एलिमेंट मेंशनड है। क्लियर, यहां पर 18 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन। क्लियर बेटा? फिर यहाँ पे आप बात कर सकते हैं बेटा कि पीरियोडिक टेबल और मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या अप्रोच में डिफरेंस रहा। तो देखिएगा, मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट को पीरियोडिक फंक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माना, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माना। क्लियर? अब कह सकते हैं विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस ब्रैकले लेबोरेटरी और सीबॉर्ग्स ग्रुप। आंसर हो जाएगा आपके बेटा लेवरेंसियम एल आर जेड 103 और सीबॉर्जियम एस जी 106। दो एलिमेंट हैं। एमसीक्यूज देखिएगा, द पीरियड दैट कंटेन ओनली गैसियस एलिमेंट्स इज जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही क्या बेटा गैसियस हैं कंप्लीटली। देखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम वाला ग्रुप रहेगा यहां पर। द पीरियड दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज 1, 2, 6, 7। तो यहां पे आ जाता है, देखिएगा इसमें कह रहा है यहां पर आपके पीरियड्स दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स है 6 पीरियड। ओके बेटा, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड्स आर फर्स्ट एंड 7, 2 एंड 6, 6 एंड 1, 1 एंड 7। तो देखिएगा यहां पर लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड में आप बात कर सकते हैं 6 एंड फर्स्ट लॉन्ग होगा, ठीक है, और शॉर्ट होगा फर्स्ट, ठीक है। बट यहां पे देखिएगा 1 एंड 7 नहीं आ सकता, वैसे देखा जाए तो 7 लॉन्गेस्ट है और 1 शॉर्टेस्ट है, बट यहां पर लॉन्ग और शॉर्ट तो रेस्पेक्टिवली बताना है आपको यहां पर, तो 6 और फर्स्ट करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा। ओके एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ द थर्ड मेंबर इन द सेम फैमिली इज हो जाएगा आपके 33। देखिएगा आर्सेनिक, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, ये आपके पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन रहा, इसमें आपने जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ प्रपोज किए हैं और किस तरीके से एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट करवाया है। इसमें सबसे बेटर जो क्लासिफिकेशन रहा वो मेंडेलीफ का क्लासिफिकेशन रहा, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एक पॉसिबिलिटी को कंप्लीट कर दिया गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने कंपोज